जरा सी बारिश में ढहने लगे मकान। कन्नौज के विकास खंड हसरीन की ग्राम पंचायत कलसान के गांव भगवंतपुर में जरा सी बारिश से ढहने लगा कच्चा मकान। पीड़ित कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्राम प्रधान से गुहार लगा चुका है, लेकिन आज तक नई सरकारी योजना का लाभ मिल सका। पीड़ित परिवार कच्चे गिरते हुए मकान में रहने को मजबूर है। पीड़ित ब्रजेश कुमार ने बताया, उसका कच्चा मकान है जो बारिश की वजह से गिर रहा है और कई बार ग्राम प्रधान जनवेश यादव को सूचना दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखना होगा कि क्या अब खबर का असर प्रशासनिक अधिकारियों पर होता है या इसी तरह पीड़ित को रहना पड़ेगा कच्ची दीवारों के भीतर। पवन, जब बच्चे मर जाएंगे, पवन पवन दोनों दे जाएंगे क्या? कहाँ रहते हो? भगवंतपुर सर। भगवंतपुर कौन मौजा है? कलसान सर। यहाँ का प्रधान कौन है? जनवेश सिंह यादव। अच्छा, जिला कौन सा पड़ता है? कन्नौज सर। कन्नौज। ब्लॉक? ब्लॉक हसेरन सर। ब्लॉक हसेरन। तो आपका ये मकान कब गिरा है? यही सब इसी पानी में गिरा है सर। ये जो आज कल दो तीन दिन की बारिश हुई, आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। यानी कि 16 तारीख है, चौथा महीना चल रहा है, नौवां महीना। 16/9/2022 को ये आपका मकान गिरा है बारिश में जी। आपने इसकी दरखास्त अपने प्रधान से, बीडीओ से, सेक्रेटरी साहब से या लेखपाल साहब से नहीं कही? 50 बार सर बुलाया, प्रधान जी के घर गए, कोई भी सर यहाँ देखने तक नहीं आया। आपने प्रधान जी के पास लिखित सूचना दी या मौखिक कहा या फोन किया? मौखिक कहा और फोन भी किया और घर पे भी गए सर। अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं। क्यों? आपने लेखपाल साहब का नंबर मिलाया था? नहीं, लेखपाल साहब का नंबर नहीं था मेरे पास। आपके पास लेखपाल का नंबर नहीं है जी? मैं आपको लेखपाल का नंबर दूंगा जी। बीडीओ साहब को बताया? डीडीएम साहब को इसकी जो है अवगत जानकारी, वीडियो वायरल वगैरह कुछ कराया? जब सर क्या बताएं, जब प्रधान नहीं सुन रहे सर तो उनको क्या बताएं? यानी आपकी बात को प्रधान नहीं सुन रहा सर? तो आपने मीडिया से गुहार लगाई जी? मैं कन्नौज से विनीत कुमार त्रिपाठी, R9 TV भारत से। इस समय पीड़ित के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये 50 साल पुराना मकान है और इस तरीके से ये जर्जर पड़ा है, और जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन छोटे छोटे बच्चों से देखिए, इस तरीके से पत्थर अगर दो तीन दिन की बारिश में अगर गिर जाए, और गिरने के बाद आप जाइए मत, बारिश में अगर गिर जाए तो ये कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे? कन्नौज संवाददाता यश त्रिपाठी।